हर्ष का विषय है कि हमने जो नारा दिया था मंदिर वहीं बनाएंगे, आज न्यायालय के निर्णय के द्वारा उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है और राम मंदिर उसी स्थान पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अत्यंत हर्ष का विषय है और इस हर्ष के समय में हम लोगों ने विजय के उन्माद में न आकर और बहुत ही गंभीरता से परिपक्वता से इस निर्णय को ग्रहण किया, इसलिए सारे भारतवासियों का, समाज के सभी लोगों का मैं धन्यवाद उनको देता हूं और यह समझता हूं कि उन्होंने एक नागरिक की परिपक्वता का परिचय दिया है। ऐसे ही सब लोग शांति बनाए रखेंगे और इस मंदिर निर्माण के कार्य में एकाग्र रूप से लग जाएंगे। जितनी बड़ी चुनौती उस जमीन के विवाद को जीतने की थी, उससे बड़ी चुनौती हमारे सामने अब एक भव्य मंदिर बनाना, उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाना ये है। और ये भारत का ऐसा अद्भुत तीर्थस्थल बनेगा, राम जन्मभूमि पे आज तक लोग जाकर एक निराकार भगवान के वहाँ पर मस्तक टिकाते थे, उनको एक साकार प्रतिमा वहाँ पर मंदिर एक बहुत भव्य मिलेगा और भारतवर्ष में यह एक स्वर्णिम दिवस भारतवर्ष के इतिहास में गिना जाएगा। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये क्षण हमारे जीवन में आए, उसके लिए प्रयत्न किए और उसकी सफलता के आज हम सब साक्षी बने। धन्यवाद। आप जिसको कोई प्रश्न पूछना हो, अब हमें लगता है, हमारा अंदाज ये है कि ये 2024 के पहले 22-23 तक ये हो जाना चाहिए। देखिए, अभी जो न्यायालय का निर्णय आया है पूरी तरह से पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन जो टीवी पे आ रहा है उसके अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारत सरकार एक ट्रस्ट बनाएगी और वो ट्रस्ट ये जो राम जन्मभूमि का हमारा न्यास है उससे मिलकर और तय करेगा कि क्या करना है। क्योंकि क्या है कि ट्रस्ट इसलिए बनाया है कि उन्होंने समन्वय के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी देखरेख जो है मंदिर निर्माण की ये ट्रस्ट करेगा। तो उस देखरेख का मतलब क्या है, डिज़ाइन क्या होगा, कौन बनाएगा, ये सब बातें अभी तय होने की। वो 3 महीने में ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट क्या करता है उसके ऊपर बाकी का आगे का सवाल है। सब ये उनका प्रश्न है, क्योंकि बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको वैकल्पिक स्थान दिया जाए, इसका मतलब वो विकल्प है। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन। तो अगर कोई पार्टी कहती है कि मेरे को ऑप्शन नहीं चाहिए तो ये उनकी बात है। और ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में का संबंध उससे नहीं है, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलेगी ऐसा कहा है। जिस दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड कहेगा कि हमें नहीं चाहिए उस दिन अलग बात होगी। अभी तो कोई भी एक आदमी कहेगा मुझे चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं चाहिए, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। सर, 2004 के आसपास बीएचपी ने एक सोमपुर एसोसिएट्स को एक ये दिया था डिजाइन और उसके बाद धर्म संसद में भी वो रेटिफाई हुआ था, तो वो काम जो है वो कौन से लेवल तक है, कितना? ऐसा है, उचित समय पर उसका आग्रह करने की आवश्यकता हुई तो हम करेंगे, पर आज हमें पता नहीं कि वो ट्रस्ट क्या करने जा रहा है। हम क्यों मान लें कि ट्रस्ट हमारी बात नहीं मानेगा? ट्रस्ट भी कहेगा कि ये मंदिर की आधी तैयारी हो चुकी है, निर्माण सामग्री है, वो डिज़ाइन के अनुसार बना है। तो अगर ट्रस्ट ये कहेगा कि चलो इसी के अनुसार बने तो हमें लड़ने की क्या आवश्यकता होगी? हम नहीं, आज मतलब हम ये शंकाएँ आशंकाएँ उत्पन्न करके नए झगड़े क्यों पैदा करें? वो सबके सामने है, हमने आज तक किया मंदिर निर्माण की वहाँ सामग्री है, वहाँ पर काम चल रहा है, कार सेवकपुरम में लोग जा जा के देखते हैं, सबको सब पता है। इतना हुआ है, इतना नहीं, वो हुआ है करीब 2 मंजिल का काम, वो जो बना हुआ तैयार है उसकी पूछ रहे हैं आप, वो भी आया था उसमें कि वो 2 मंजिल तक का करीब करीब सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं। और मतलब इसका मतलब ये है कि मंदिर निर्माण में कम समय लगना होगा, तो वो जो ट्रस्ट बना है वो ये मान लेगा कि चलो इसी से उपयोग करेंगे तो हो जाएगा। सर, एक आशंका ये है कि ये रिवर के बैंक पे है इसलिए फाउंडेशन का काम थोड़ा चैलेंजिंग।
ये देखिए, ये सब नीटिग्रिटीज हैं, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ और ये बातें सब पहले तय नहीं होती। बात क्या थी हमारी, एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए हमने सारे प्रयत्न किए, हमने स्वयं ने मंदिर निर्माण की सामग्री भी वहाँ लाई, सब कुछ प्रयत्न किया, तो वो उसका उपयोग करना है ऐसा वो ट्रस्ट मानेगा ऐसा हमको लगता है। ऐसा कोई कारण नहीं है बताने का कि वो ट्रस्ट हमारे खिलाफ जाएगा, क्यों जाएगा। अभी तो सरकार का रोल है, सरकार का ट्रस्ट है, सरकार जिसको चाहेगी नियुक्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार बनाए, तो केंद्र सरकार जिसको नियुक्त करेगी वो ट्रस्ट ही होंगे। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वैधानिक उसका क्या अस्तित्व है मुझे पता नहीं, वेदर इट इज ए स्टैट्यूट, किसी कानून से बना हुआ ट्रस्ट वो नहीं। वो उनके कई लोग हैं जो अलग अलग बोली में बोला करते हैं और हमको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो क्या करते हैं वो उनका हो जाने, विश्व हिंदू परिषद को उससे क्या लेना देना। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेल्यूर इज एन ऑर्फन, तो अगर आपकी सफलता हुई है तो 10 लोग श्रेय लेने के लिए दौड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये होता है शुरू से, अभी भी होगा, लेकिन जनता सब समझती है कि क्या है। आप सब लोगों के सामने हम इतने वर्षों से इसमें हैं, अब कोई कहेगा कि मंदिर हमने बनवाया तो कहे उससे हम क्या करेंगे। श्रेय लेने की बात तभी तक सफल हो सकती है जब तक कि लोग श्रेय देने को तैयार हों, जब लोग श्रेय देने को तैयार नहीं होंगे तो अपने आप अपने घर चले जाएंगे, क्या होगा। एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट इज नॉट जजमेंट, पार्ट ऑफ जजमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड ओबाइटर डिक्टा, दैट मीन्स व्हाट इज नॉट इन इश्यू इफ द कोर्ट प्रोनाउंसेस ऑन दैट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वी आर लुकिंग एट इट टूडे एट द रिजल्ट ऑफ द थिंग, वॉट दे हैव डिसाइडेड, वॉट दे हैव गिवन टू अस, दे हैव सेड दैट दिस मंदिर दी लैंड बिलोंग्स टू रामलला एंड द नेक्स्ट फ्रेंड इज द केयर टेकर, राम जन्मभूमि न्यास विल बी गिवन पोजेशन ऑफ इट, नो दिस इज अवर कंप्लीट विक्ट्री, नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस इन कमिंग टाइम। कौन साथ में नहीं है? देखिए, हम वो प्रणव भाई तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के पूर्व पदाधिकारी हैं, हमारे सारे पूर्व पदाधिकारियों का हम सम्मान करते हैं, इसलिए उनके संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, एक तो पहली बात ये, और साथ अगर नहीं है आज तो उन्होंने खुद होके छोड़ा है, तो आप उनके जाकर पूछें। 14 अप्रैल 2018 को उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरा आज से विश्व हिंदू परिषद संबंध नहीं है, हमने कभी भी नहीं कहा कि वो हमारे साथ नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ नहीं है, मैं विश्व हिंदू परिषद के साथ नहीं हूँ, तो आप उनसे पूछिए। सर, आपने कहा हो गए, चलो धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो